दो साल बाद फिर निकलेगी भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग भक्तों को दर्शन देंगे जगत के स्वामी। शहर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा 1 जुलाई शुक्रवार को शाम 5 बजे से निकाली जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के कारण यह यात्रा बीते 2 साल नहीं निकली थी। गोलाकुआं स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में पत्रकारों से बातचीत में रथ यात्रा के संयोजकों संजय नौराही ने बताया कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल के पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान के रथ को श्रद्धालु रस्सियों से पकड़कर खींचते हैं, इससे भगवान जगन्नाथ जी का आशीष प्राप्त होता है। इस वर्ष जगन्नाथ जी के मंदिर से रथ यात्रा 1 जुलाई को शाम 5 बजे से निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि झांसी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर 181 वर्ष पुराना है और हर साल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में बैंड ढोल के अलावा इस्कॉन मंदिर का संकीर्तन और हजारों श्रद्धालु भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की महिमा का वर्णन नारद पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में है। शहर में यह रथ यात्रा मंदिर से आरंभ होकर आर्य समाज मंदिर से होती हुई गांधी नगर का टपरा, सराफा बाजार, मानिक चौक, मालिनों का तिराहा, कोतवाली की ढाल होकर वापस मंदिर में पहुंचेगी। मंदिर में आरती कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजकों ने आह्वान किया कि रथ यात्रा में श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर मनमोहन गेड़ा, पीयूष रावत, प्रदीप नगरिया, राकेश लाझाकार, राकेश वर्मा, ध्रुव अमन, अनुराग, दीपक साहू, मनोज निखरा, विनोद हियारान आदि लोग मौजूद रहे। आभार शिवा नौराही ने किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन नौराही है। आज किस कारण प्रेस वार्ता की? जी आज किस लक्ष्य में प्रेस वार्ता? जी हाँ, हम लोग आज रथ यात्रा के शुरू होने की वजह से, क्योंकि हम लोग 2 साल से कोविड की वजह से रथ यात्रा ना निकाल सके, इस बार जो है हम लोग रथ यात्रा गवर्नमेंट की परमिशन के बाद निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने आप सबको यहाँ इसलिए इन्वाइट किया है कि रथ यात्रा कहाँ से और किस तरह से निकलेगी और इसकी विशेषता क्या है। ये मंदिर जो है 178 वर्ष पूर्व यहाँ पे 1842 या 43 में शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जितने भी भक्तगण थे, जितने भी श्रद्धालु थे, उन्होंने इस यात्रा को लगातार बाकायदे इतने वर्षों तक निकाला है और उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसको आगे ले जा रहे हैं। कितने तारीख को निकलेगी ये? 1 जुलाई को निकलेगी। कितने बजे? 1 जुलाई को करीब 5-5:30 बजे यहाँ से प्रस्थान लेगी और प्रस्थान लेकर ये यहाँ से जब ये आरंभ होगी तो यहाँ से विसाती बाज़ार से होते हुए गंदीगढ़ के टपरे जाएगी। गंदीगढ़ के टपरे से ये सराफा होते हुए मानिक चौक पहुँचेगी। मानिक चौक से आज़ाद पार्क तक जाएगी। आज़ाद पार्क से वहाँ से मुड़कर फिर जो है आगे बढ़ेगी बड़े बाज़ार की तरफ। बड़े बाज़ार से होते हुए मुरली मनोहर के मंदिर। कितने श्रद्धालु इसमें? इसमें श्रद्धालुओं की कोई गिनती नहीं है, इसमें अपार लोग इकट्ठा होते हैं और इसमें इस्कॉन वाले भी इसमें सम्मिलित होते हैं, वो भी इस यात्रा को आगे जीवन में बढ़ाते रहते हैं और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। ये यात्रा जो है समाप्त जो है यही मंदिर पर होती है, लेकिन इसकी जो यात्रा का है वो बड़ा बाज़ार से होते हुए गंज, फिर रानी महल, फिर सिंधी चौराहा। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।